गुरुं व्यवहार का अगला लिंग यानी विशेष यानी यौन से संबंधित विशेषताओं का एक समुच्चय यानी कि महिलाएं और पुरुष आपको देखा गया है कि महिलाएं जो है ज्यादा सामाजिक व्यवहार करती पाई गई है। कुछ रिसर्च में पाया है, कुछ रिसर्च में ये पाया है कि पुरुष करते हैं, तो इसका मतलब कोई फिक्स इस चीज की नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्थितियों में देखा गया है कि मिक्स सा व्यवहार है। कुछ रिजल्ट ये बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा प्रोफेशनल बिहेवियर करते हैं, कुछ रिजल्ट ये बताते हैं कि पुरुष ज्यादा करते हैं, तो कोई फिक्स सी बात नहीं, लेकिन ये भी एक निर्धारण है, निर्धारक व्यक्ति निर्धारण होता है, जेंडर यानी कि सेक्स भी आपका डिसाइड करता है कि आप प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा और कब करोगे। शारीरिक आकर्षकता इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, जो व्यक्ति फिजिकली अट्रैक्टिव होगा उसको मदद जल्दी मिलती है। बताया था मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, अगर आप बाइक से जा रहे हो किसी बूढ़े ने कीचड़ में है वो भरा हुआ किसान है निकला है वो हाथ देगा नहीं यार कपड़े खराब करेगा, और किसी लड़की ने हाथ दे दिया तो वहां जाकर वो फंस जाओगे। अभी कह रहे हो मैं देखा कहीं वो हाथ में जाकर मेरे को आवाज कम देख दिया। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये है ये देखिए पूरा पाया गया है लोग इसका मतलब सोच समझ के प्रोफेशनल बिहेवियर करते हैं देख के, ठीक है। नेक्स्ट आंतरिक खुशी और संतुष्टि, आपको जो है सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट और एंजॉयमेंट जो है ये सब बोलते हैं, ये भी एक व्यक्तिगत निर्धारक है जो प्रोफेशनल बिहेवियर का को फैसला करता है, डिसाइड करता है कि व्यक्ति पीएसबी करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट अब तीसरा पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक निर्धारक, पहला कौन सा पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था, दूसरा व्यक्तिगत निर्धारक, तीसरा सांस्कृतिक निर्धारक यानी कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। आवाज नहीं, इसमें सबसे पहले देखो एक पॉइंट इसमें आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है सभी संस्कृतियां सामाजिक उन्मुख होती हैं। दुनिया में जितनी भी संस्कृति है सारी की सारी सामाजिक उन्मुख है, यानी कि सभी संस्कृतियां अपने जो उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनके जो लोग होते हैं उनको वो सिखाती है कि उनको प्रोसोशल बिहेवियर यानी सामाजिक उन्मुख व्यवहार करना चाहिए। उनके सिखाने के और सामाजिक उन्मुख व्यवहार करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी संस्कृतियां ये कोई संस्कृति ये नहीं सिखाती कि किसी दूसरे के प्रति आप ईर्ष्या द्वेष रखो या उनके प्रति दुर्भावना रखो। सारी संस्कृतियां दुनिया में जितने भी मानव की सभी सामाजिक उन्मुख होती है। इसका पहला पॉइंट देखो सांस्कृतिक मानक और परिवर्तियां, इसमें दो चीजें हैं अविभाज्य और सामूहिक। कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जो ये उनके अंदर इंडिविजुअलिस्टिक व्यवहार होता है, यानी अपना काम जरूरी है दूसरा जाए छोड़ दो उसको, यानी हम स्वयं अकेले अपना काम करते रहे, हम अपना उत्थान करते रहे, सेल्फिश कह सकते हैं उसको आप, इंडिविजुअलिस्टिक व्यवहार करते हैं। और कुछ सामूहिक होते हैं जो सभी को साथ लेकर चलने वाली होती है। ये दोनों चीजें अविभाज्य और सामूहिक ये भी सांस्कृतिक निर्धारक होती है। इंडिविजुअलिस्टिक समझते हो ना, अपने स्वयं की सोच अपने लिए काम करना अपने परिवार के लिए करना ये इंडिविजुअलिस्टिक है। अभी आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न पाश्चात्य जगत है जो यूरोप है अमेरिका है ये जो लोग हैं वो सारे इंडिविजुअलिस्टिक रहते हैं, और भारत के श्रीलंका के ये जो लोग हैं नेपाल के हैं ये सारे किस में आते हैं सामूहिक में कलेक्टिविस्टिक आते हैं, हम पूरे समाज को लेकर चलते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न होता है लोग क्या कहेंगे समाज क्या सोचेगा, ठीक है, वो लोग उनके मन में टेंशन नहीं होता, वो अपने मन में चलते रहते हैं अपने हिसाब से वो चलते रहते हैं, ठीक है। दे आर इंडिविजुअलिस्टिक एंड वी आर कलेक्टिविस्टिक यानी हम बात है सामूहिक। अब देखें सांस्कृतिक मूल्य क्या क्या है, किसी विचार व्यवहार को सही या गलत अच्छा या बुरा आपकी संस्कृति के हिसाब से हम ये फैसला करते हैं कि कोई भी विचार है कोई भी व्यवहार है ये अच्छा है या बुरा है या सही है या गलत है। अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पर एक सांस्कृतिक इसमें एक रिवाज है कि जब शादी होती है तो दूल्हा जो है घोड़े पे चढ़ता है घोड़ी पे चढ़ता है ना, लेकिन पाश्चात्य जो संस्कृति होती है उसमें उसको ये अच्छा नहीं मानते, बोला कौन सा तरीका है ना, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। फर्क पड़ गया आपका सांस्कृतिक मूल्य का,
आप समझे, हमारे यहाँ संस्कृति बोले कि आप ज्यादातर हाथ से खाना खाते हैं, खाते ना, अब उनसे आप लोग हाथ से खाते, लोग जो पाश्चात्य जो लोग हैं वो किसे, छुरी और कांटे से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है, समझ में एक बात आपको सांस्कृतिक बोले। नेक्स्ट अजय ज्यादा बोल रहा है मुझे लग रहा है, यू आर एक्सेस टूडे, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। तीसरा है सांस्कृतिक आयाम, कल्चरल डायमेंशंस। आयाम समझते हो क्या होता है आयाम का मतलब, अर्थ आपको जैसे ये देखो ये क्या चीज है, बॉक्स, ज्योमेट्री से इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं ना, इसके जो ये है ये चार, ये क्या है ये आयाम। इसी तरह से डॉक्टर हॉफस्टेड ने संस्कृति के छह आयाम, छह डायमेंशन सुझाई है। डायमेंशन का मतलब होता है एक सीमा रेखा के तहत रहकर व्यवहार करना, ठीक है, अभिमा कह सकते इसको, जैसे व्यक्तिवाद बनाम समूहवाद, व्यक्तिवाद बना रहे इंडिविजुअलिस्टिक और समूह कलेक्टिविस्टिक, और पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व यानी फेमिनिस्ट और मस्कुलिनिटी, इस टाइप की कुछ डायमेंशन होती है हमारी संस्कृति की। ये भी एक सांस्कृतिक आयाम बहुत इंपोर्टेंट होते हैं सामाजिक प्रोसोशल बिहेवियर के निर्धारक, कौन सा निर्धारक है, सांस्कृतिक निर्धारक। नेक्स्ट हम देखेंगे सांस्कृतिक अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है भाई, अडेप्टेशन, क्या होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में हम जल्दी घुल मिल जाते हैं, अगर वो जल्दी घुल मिल जाएगा वो जल्दी उसके अंदर सांस्कृतिक अनुकूलन की उसके अंदर एबिलिटी ज्यादा है, और नहीं घुल पाएगा उसमें अंदर एबिलिटी कम है, अडेप्टेशन। जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आप जाकर रहते हो तो उसमें हमें थोड़ी देर के लिए समय लगता है हमारे लिए कि कैसे उसका व्यवहार को समझे, और यही होता है सांस्कृतिक अनुकूलन। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट है आवासीय स्थिति, ग्रामीण और शहरी लोग, रिसर्च में पाया गया है कि सोडर ने बताया है कि जो ग्रामीण लोग हैं शहरी लोगों की तुलना में ज्यादा सामाजिक उन्मुख होते हैं और दूसरों की मदद जल्दी करते हैं। अगला देखेंगे धर्म, धर्म जो लोग धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लोग धार्मिक या किसी संप्रदाय में विश्वास रखते हैं, वो अधिक दरबार या स्वयं सेवी गतिविधियां करते हैं, उनके अंदर भी सामाजिक उन्मुख प्रभाव ज्यादा पाया जाता है। ये भी एक बहुत समाज की जो स्टडी थी उसमें ये पाया गया। ये थे हमारे तीन प्रकार के, और जो बचे हुए दो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ, प्रोसोशल बिहेवियर के निर्धारण, ठीक है, पहले कौन से डिस्कस किए थे, सोशल डिटर्मिनेंट्स, सेकंड वाले पर्सनल डिटर्मिनेंट्स, और तीसरे वाले क्या थे, कल्चरल, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई प्रश्न तो बताओ, नहीं है, कल की जो क्लास होगी उसमें परिस्थिति पर करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसको बंद करेंगे।